थैंक यू। और जी अभी आई हूँ अपना, सॉरी ओके बिल सबमिट करवाने अपना। यस, और ये देखिए मेरा बिल जो है कितना ज़्यादा है, 853। और ये पाकिस्तानी 31,000 ऑलमोस्ट बनते हैं। और जी उसके बाद मैंने घर आ गई थी, वहाँ पे किचन का काम हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और फ़िलहाल आप किचन की हालत देखें और फिर इंशाल्लाह बनने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ़ाइनल लुक। और उसके बाद जो हम लोगों ने फ्यूचर ऑर्डर किया था वो आ चुका है, डिलीवर हो गया। और जी अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया। बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप रोगी हो? यस। और अभी यहाँ पे हम लोग बेड वगैरह सेट करने लग पड़े थे, और बेड सेट करते करते काफ़ी टाइम हमें हो चुका था, और बहुत सब भूख भी लगी थी, और खाना शाना कुछ भी नहीं बनाया था। तो हम लोगों ने इस घर का पहला खाना जो कि हम लोगों ने केक और जूस वगैरह लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो हम लोगों ने वही इन्जॉय किया। और आप यहाँ पर वेदर देख सकते हैं, शाम का टाइम था और वेदर इतना प्यारा, इतना माशाल्लाह प्यारा। और ये हमारे घर से, हमारे रूम से ये व्यू नज़र आता, और बहुत ही अच्छा सा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। और गाइस अभी यहाँ तक ये वार्डरोब रेडी हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल से हुई है रेडी, लेकिन हिम्मत हम लोगों ने नहीं हारी, हार मानने वाले में से नहीं है। और ये देखें जी फिर रेडी करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ड्रॉ रेडी करके भी रख दी हम लोगों ने, और जिसके बाद हम लोग वार्डरोब और बेड वगैरह सेट करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि रात का तकरीबन 1 o'clock हो चुका था। और उसके बाद हम लोग अपने पुराने घर चले गए थे, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया। और फिर सुबह उठे तो सुबह बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। अब हमारा काम था दोबारा आइकिया जाना, वहाँ से कर्टन के रॉड लेना, और थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो हमें लेनी थी। तो हम लोग जल्दी से और फ़ौरन से हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया, और बस हम लोग घर से निकल गए थे, हाथ जुखे साथ लेकर चले गए थे। और जी आइकिया हम लोग गए, और आइकिया जाके हम लोगों ने क्या किया नेक्स्ट क्लिप में आप लोग देखें। और मॉल में एंटर होते साथ मुझे और हादी को भूख लगी, तो हमें कुछ स्नैक चाहिए थे, तो हम लोग शॉप के अंदर आ गए। और जी वहाँ से हम लोगों ने केक वगैरह बाई किया, जूसेस वगैरह लिए, और आई थिंक चॉकलेट्स वगैरह ले थी, आई थिंक सो। और यहाँ पर जी ये ग्रैनोला के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ये बूढ़ों के लिए टेस्ट चाहिए। ये मत आओ यार, नो नीड टू आई, नो नीड, थैंक यू। और जी पेट पूजा करने के बाद हम लोग आइकिया आ गए थे। आइकिया आके मैं बस यहाँ पे चेक कर रही थी जो जो मुझे चीज़ चाहिए थी, साकिब कह रहे थे कि बस एक्स्ट्रा सामान कुछ भी नहीं लेना, जो ज़रूरत का है वही लेना। और मैं ख़ुद भी साक में नहीं थी, वैसे तो मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, और किचन से मुझे बहुत लगाव है, जो चीज़ भी हो मैं कहती बस मैं उठा लूँ। बट अभी फ़िलहाल घर में बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जब बहुत इधर उधर शिफ्टिंग हो रही होती है तो बहुत मैस बना हुआ होता है, जो पहले वाली चीज़ें वो भी समझ नहीं आ रही होती कहाँ रखना है। तो सेट वेट घर करके उसके बाद इंशाल्लाह टूर करेंगे क्या, और जो चीज़ें चाहिए होंगी न्यू वो लेंगे। और अगर आपको आइकिया का प्रॉपर टूर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फुल टूर के साथ। जी वाइट कर्टन देखते हैं, मुझे ऐसे नेट चाहिए थे वाइट, पर ये भी अच्छे लग रहे हैं वाइट। लेट्स सी देखते हैं कौन सा
फाइनली लेते हैं हम। और जी कर्टन मैं पहले अपने रूम के लिए लेके जा चुकी थी, बट अब मुझे कर्टन वाइट चाहिए थे, प्लेन कर्टन। और वहाँ से मैं देख रही थी जो मुझे अच्छे लगते हैं। और मुझे ड्राइंग रूम के लिए अपना कर्टन चाहिए था डार्क ग्रे कलर में या ब्लैक में, बट मुझे यहाँ पे फ़िलहाल कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा घूम फिर के चेक करती हूँ कहीं और मे भी मिलते, लाजमी तो नहीं कि आई कैसी बाई करना है। और जी यहाँ से अपने होते हैं वाइट वाले ये कर्टन, मैंने यहाँ से नेट के थ्री कर्टन ले लिए। कॉली मैंने नहीं उठाई, कॉली उठाती हूँ। और जी यहाँ से अब लेते हैं ये 1 2 3 साइज इनके सेम है, ये छोटा है ना, ठीक है। और ये कितने हैं, ये आपने साइज चेक किए हैं अपने रूम के? वो बड़े हो जाएंगे। ओके, ये 210 सेंटीमीटर है हमारा, 188 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही बड़े हो जाएंगे, छोटे भी काट सकते हैं। सही है ये, अच्छा। ओके ओके ओके, ये सर कैची ना। और जी यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत बेडशीट कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। दरअसल मुझे लाइनिंग भी पसंद है और डार्क कलर भी, कुछ लाइट मतलब मिली जुली पसंद है। अब विच वन? नहीं नहीं ले लो ना ये। और एक जो देखने की चीज़ मुझे नूर आया। और जी यहाँ पे ये किचन और एक टॉयलेट के लिए ले लेते हैं, आप ये ले लेते हैं थोड़ी छोटी और इसी को किचन। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले ली, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं बाय किया। बस इंशाल्लाह घर वर सेट करने के बाद इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, और फिर जो जो चीज़ ज़रूरत हुई डेकोरेट के हिसाब से, आई थिंक जो भी मुझे चाहिए हुआ मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। और आपके साथ फुल आईकिया का टूर भी शेयर करूँगी। और शिफ्टिंग करना अब यकीन माने इतना मुश्किल काम है, शायद ही ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई मुश्किल काम हो, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और जी बस अब हम जा रहे हैं बस जाने, बस स्टॉप पर, और बस फिर अब हमारी वापसी है। कैसी तरह लेट्स गो, चम चम चम, ध्यान से गिरना नहीं। और बारिश तेज हो रही है पर छाता मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। और जी मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, ये जो हम लोग वॉलपेपर लगा देते हैं किसी कैबिनेट पे किसी वॉल पे, और वो कैसे रिमूव होंगे, सबसे पहले आपने ड्रायर ऑन कर लेना है और ड्रायर से अच्छी तरह हीट करना है, और कॉर्नर से आपने सारा ऐसे उतार देना है। उसके बाद हीट देंगे और मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था, अगर हेल्प करने वाला हो तो एक हाथ से ड्रायर एक पर्सन पकड़े और दूसरा पर्सन अगर हाथ से रिमूव करे तो बहुत अच्छे तरीके इजीली रिमूव होते हैं, तो वो छोटे छोटे पीसेस में नहीं होते, फुल बड़ा पीस आराम से इजीली उतर आता है। और इसको मैं स्प्रे करके अच्छी तरह क्लीन कर दूँगी, ये चीज़ भी सारी मैं रिमूव कर दूँगी। और जी आईकिया से वापसी में बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, तो हम लोगों ने रास्ते से ही खाना ले लिया। वाह कबाब ओपन करें। और जी है सालन में मटन कढ़ाई, यम है कबाब, और रोटी चटनी और सालन, साथ कोल्ड ड्रिंक है।
और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।